हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम किचन में बना रहे हैं, शफ़क्स डायरी के किचन में बन रहे हैं शॉवर में। और मैंने कहा टाइम वेस्टेज नहीं करते इंट्रोडक्शन में, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं मुझे, अच्छी तरीके से मेरे व्लॉग्स देखते हैं माशाल्लाह से। तो हम लोग आज बना रहे हैं शवरमा, और मैंने कहा चलो शवरमा बना रहे हैं तो हम रेसिपी भी अपने चैनल में शेयर करते हैं। हर चीज़ आपको मेरे चैनल में मिलेगा, फ़ैशन भी मिलेगा और कुकिंग भी मिलेगी और घूमना फिरना भी मिलेगा, टूरिज़्म भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये मल्टीपल चैनल है जिसमें आपको हर किस्म की इंटरटेनमेंट मिलेगी। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शफ़क्स डायरी को पसंद करना है। तो इसके अंदर जो है मैरिनेशन मैंने क्या की है, चिकन टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैंने नमक हसबे ज़ायका 1 टीस्पून जो है इसके अंदर लाल मिर्च है, 1 टीस्पून इसके अंदर जो है कोरिएंडर पाउडर है, आधा जो है वो हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी है, और 1 भर के जो है ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला है, और दही के साथ मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब आधा घंटा इस मैरिनेशन को हो गया था तो मैंने कहा कि अब जो है वो आप लोगों के साथ जो है इसको कुक कर दिया जाए। तो बस अब मैं इसको तेल डालूँगी 2 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून हम इसमें जो है वो तेल डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये जो हमारी चिकन का बैटर जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। सामने हम जो है वो पीटा ब्रेड लाए हैं, पीटा ब्रेड को हम सेकेंगे। बहुत अच्छी सी रेसिपी है जो बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिख दूँगी, और असल में मैं जो मैरिनेशन कर रही थी तो मैं भूल गई थी रिकॉर्डिंग करना, फिर उसके बाद मैंने वापस से जो है वो इसको रिकॉर्डिंग की है कि जो है मैं मैरिनेशन बता दूं। और चिकन की मैरिनेशन तो बहुत आसान होती है, और हर किसी की अपनी अपनी तरह की चिकन की वो होती है, बस बोनलेस लेना। ओ वाओ, तो आज किचन में लाइट्स जल रही हैं, ये लाइट्स जल रही हैं, तो सफ़ा जो है वो बहुत हैप्पी हो रही हैं कि मम्मा ने जलाई हुई हैं। सफ़ू हाय कर दें, हाय। इस लाइट्स में बहुत अच्छी से जो है वो आ जाता है, लुक आ जाता है वीडियो का। तो बस ये अब पकने के लिए मैंने छोड़ दी है, और ये हो जाएगी तो बस हम इसकी असेंबलिंग करेंगे साथ में, और क्या क्या जो है वो प्रोसीजर्स है मैं दिखाती हूँ। अच्छा, हम यहाँ जो है वो जालापीनो जो है वो बना रहे हैं, होम मेड जालापीनो कैसे बनेंगे। ये मैंने जो है वो खीरा और प्याज जो है वो कट कर लिया इस तरीके से, आप अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं जिस तरीके से चाहें आप इसको बना सकते हैं। और इसमें मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ, तो ये जो है ये विनेगर वाली जो है बन जाएंगी प्याज और खीरा जो हम उसमें करेंगे, और इससे बहुत अच्छा लुक आएगा और टेस्ट जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाएगा। तो ये थोड़ा बाहर की कॉपी करने की कोशिश है, बाहर भी इस तरीके से जो है वो सैलड बना के डाला जाता है जिसके अंदर थोड़ी सी कैरेट भी होती है। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने बस कुकम्बर और अनियन का जो है वो विनेगर डाल के इसका सैलड बना लिया है। अच्छा जी, तो ये हमारी चिकन रेडी हो गई है। इस तरीके से फॉइल मैंने रख के जो है ना वो कोयला लगा लिया था, इस तरीके से कोयला लगा लें। मैरिनेशन भी मैं लिख के जो है वो अटैच कर दूँगी इसके साथ, और जो है वो ज़बरदस्त ही हमारी चिकन जो है वो रेडी है। ये इसका लुक देखें, फाइनल लुक। ये इस तरीके से मैंने और ज़्यादा इसके लच्छे बना लिए थे ताकि हम आराम से जब इसको रखें तो ये इसके जो बोटियों का जायका है, और थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर रखिएगा, बिल्कुल ज़्यादा खुश ना हो। जैसे ये जो है ना ये बिल्कुल खुश नहीं है, थोड़ी सी गीली गीली सी चिकन हो रही है, इस तरीके से दिख रहा होगा। तो बस ये रेडी हो गया है, साथ में हमारा जो है वो सैलेड भी रेडी हो गया है। बस हम केचप लगाएंगे पीटा ब्रेड में, और चिप्स रखेंगे, और ये रखेंगे, और मज़ेदार सा हमारा शवरमा रेडी है। इसको ज़रूर जो है वो देखें और ट्राई करें, और ऐसे ही हमें याद रखें, और छोटी मोटी रेसिपीज़ आती रहेंगी, क्योंकि ये चैनल कुकिंग का नहीं है लेकिन जो भी हम करते हैं वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। चलिए अब हम असेंबलिंग करते हुए दिखाएंगे इंशाल्लाह कि अब हम असेंबलिंग में किस तरीके से इसका असेंबल करते हैं। अच्छा जी, तो वीडियो अब स्टार्ट हो गई है वापस से, और अब फाइनल असेंबलिंग की बारी है। हमारी पीटा ब्रेड्स आ गई हैं,
ये हमारी चिकन है जो आप लोगों को बता दिया था, इसकी इंग्रेडिएंट भी जो है मैं लिख दूंगी। ये हो गए हमारी वेजिटेबल्स जिसमें मैंने विनेगर डाल के इसको जलापीनो बना लिया था। ये है हमारी सॉस जिसके अंदर कैचअप और मायनीज मिली हुई है, और ये स्पेशल सॉस है इस चिप्स की। और ये चिप्स जो है ना हमारे एरिया की सबसे बेस्ट चिप्स है और हम इसको डेली खाते हैं। तो मेरा आइडिया आया कि मैं घर में नहीं बनाती, रेडीमेड ले आती हूँ। ये 100 रुपीज़ का बॉक्स होता है, तो मैंने कहा इसके साथ जो है वो ये इसकी सॉस भी मिल जाएगी, तो फिर हमें जो है वो घर की सॉस बनानी नहीं पड़ेगी। तो आप मायनीज़ और कैचअप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी आपके सामने दिख रही हैं। तो बस अब हम इसकी मेकिंग करते हैं और इसको फाइनलाइज़ करते हैं। गैस जा चुकी है तो इसलिए मैं इसको जो है सेक नहीं सकती, वरना इसको मैं सेकती भी पहले, लेकिन गैस जा चुकी है तो अब मैं सेक नहीं सकती। तो ये इस तरीके से मैं स्प्रेड कर रही हूँ, और बहुत मज़े की सॉस बना के देता है। इसके अंदर कैचअप भी और ये जो है मायनीज जो है वो मिली हुई होती है, इनकी अपनी बनी हुई होती है ये। तो ये हम बना रहे हैं और इतना मज़े के ये जो है शवर में तैयार होने वाले हैं कि अभी से मुंह में पानी आ रहा है। और ये पीटा ब्रेड जो है वो किसी भी बेकरी से आराम से मिल जाती है। मैं तो शवरमा वाला हमारी तरफ है तो मैं तो शवरमे वाले से ले आई हूँ। उनको मैंने जो है वो पैकेट के पैसे दे दिए और उन्होंने मुझे ये पैकेट जो है वो पीटा ब्रेड की दे दी, तो वरना ये जो है बेकरी में भी आराम से मिल जाता। तो ये जो है हमारा हो गया है रेडी, सही है। अच्छा अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जलेपीनो, ये प्याज और खीरा, और एक मैं थोड़ा सादा रखूँगी। और अब जो है मज़ेदार जो हमारा जो मेन है चीज़ वो है ये चिप्स। और चिप्स जो हैं वो प्रॉपर मसाले वाली हैं, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आ हा हा हा, आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा आई एम श्योर। तो ये हो गई है हमारी शवरमे रेडी। अब बस इसको मैंने बाइंडिंग करनी है, और बाइंडिंग करने के साथ मैंने जो है उसको फाइनलाइज़ करना है। अभी मैं घर का कैचअप भी थोड़ा सा डाल देती हूँ इसके ऊपर। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो है वो शवरमे रेडी हो गए हैं। आप लोग भी घर में बनाएं और इन्जॉय करें और खाएं मज़े से, और शफ़क्स डायरी को ऐसी पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगे मिलते हैं हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर, या हम घूमने का, या कोई फैशन का व्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह। और ये हमारे ज़बरदस्त से जो हैं वो शवर में रेडी हो गए हैं, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।